नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आरोग्य भारती के सिवान इकाई का वार्षिक सम्मेलन आयोजित। सिवान नगर के सरस्वती शिशु मंदिर महावीरपुरम में रविवार को आरोग्य भारती का आरोग्य मित्र प्रशिक्षण सह वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले डॉक्टर रामेश्वर कुमार एवं योग शिक्षिका मुनिका को डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह आरोग्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ राष्ट्र विषय गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला संचालक डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर डॉक्टर धनंजय श्रीवास्तव, संजय कुमार सिंह, प्रांतीय सदस्य निरंजन कुमार सिंह, विभाग संयोजक प्रवीण कुमार सिंह, डॉक्टर जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, जिला सचिव अभिषेक कुमार मिनी, डॉक्टर रविन्द्र नाथ पाठक, डॉक्टर राजा प्रसाद सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। बोलते हैं जीवनी शक्ति, उसको हम दिखा नहीं सकते, हम उसको डिसेक्शन करके फाड़ के चीर के हम बता नहीं सकते। अभी डॉक्टर साहब ने बताया मुद्रा में अपान वायु, ज्ञान वायु, प्राण वायु, समान वायु, ये सब वायु हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ये प्राण वायु हम लोग बोलते हैं, उसका गुण है। लेकिन यहाँ से डिसेक्शन करके आठ आठ प्राण वायु को दिखाते रह जाएंगे, ये नहीं मिलेगा। नर्व मिलेगा, आर्टरी मिलेगी, वेन मिलेगा, मसल्स मिलेंगे देखने को। लेकिन इस तरह शरीर में पांच दो वायु है, प्रत्यक्षीकरण किया है तो उसको निर्धारण किया है कि प्राण वायु पहले किसको है, रहता कहाँ है, वो कितना लंबा चौड़ा होता है, ये सारी बातें निर्धारित। तो उस प्राण वायु की रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ चिकित्सा इस औषधि को जो बोल रही है उसकी वहाँ काम करती है, जीवित है शरीर, वो शक्ति समाप्त हो जाएगी, मेडिसिन कम नहीं चिकित्सा से कोई नहीं बच सकता। शरीर को परमात्मा ने दिया है, शरीर के अंदर हर जगह दाग रखा हुआ है, नेचुरल डॉक्टर साहब बता रहे थे, अपने नेचर में प्रकृति के नजदीक रहिए, प्रकृति की बात मानिए और कोई भी नेचर के खिलाफ काम मत कीजिए। नेचर के खिलाफ आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। जय आयुर्वेद, जय आरोग्य। से उससे बहुत अधिक सर के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है। साथ है डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या है फिर का